हे दोस्तों, वेल आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ और कैसे और कहाँ और कौन और किस लिए और कब और क्यों। इसमें मैंने पहले एक वीडियो डेवलप किया है, उस पर मैंने कुछ कंजक्शन को बताया है, तो जो बच गया था कंजक्शन उन सभी कंजक्शन को इस वीडियो हम लोग सीखने जा रहे हैं। वेल आइए सीख लेते हैं। पहले बात करते हैं और कहाँ। वेल और कहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं वेर एल्स। वेर एल्स कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। वह और कहाँ रहता है। वह और कहाँ रहता है, एक जगह तो रहता है लेकिन उसके अलावा वह और कहाँ रहता है। जब ऐसे पूछा ना इंग्लिश में तब आप पूछिएगा वेर एल्स डज ही लिव। वेर एल्स डज ही लिव। नेक्स्ट सेंटेंस, वे लोग और कहाँ कहाँ एक दूसरे से मिलते हैं। वे लोग और कहाँ कहाँ या और कहाँ एक दूसरे से मिलते हैं। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे वेर एल्स डू दे मीट ईच अदर। वेर एल्स डू दे मीट ईच अदर। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम और कहाँ गए थे। वहाँ तो गए थे, पटना गए थे, मुंबई गए थे, उसके अलावा तुम और कहाँ गए थे। वेर एल्स डिड यू गो। वेर एल्स डिड यू गो। इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए और राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। अब बात करते हैं और कब। और कब को इंग्लिश में बोलते हैं वेन एल्स। वेन एल्स सेंटेंस देखिए, ऐसा और कब होगा। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे वेन एल्स विल दिस हैपन। When else will this happen? अगर ऐसा और कब होगा, मतलब फिर से और कब होगा, तो अगेन लगा देंगे When else will this happen again? Next sentence, हम और कब वहाँ पहुँचेंगे। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे When else will be reach there? When else will be reach there? Next sentence, और कब तुम मुझसे मिलने आओगी। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे When else will you come to meet me? When else will you come to meet me? इसी से जुड़े मैं आपको एक और सेंटेंस देता हूँ, इसको राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों अब बात करते हैं और कैसे। वेल और कैसे को इंग्लिश में बोलते हैं हाउ एल्स। हाउ एल्स किस तरीके से। सपोजिंग आप अपने फ्रेंड से पूछते हैं तुमने इसे और कैसे बनाया। इस तरीके से तो बनाया, लेकिन इसके अलावा तुमने इसे और किस तरीके से, किस विधि से बनाया। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे हाउ एल्स डिड यू मेक इट। हाउ एल्स डिड यू मेक इट या हाउ एल्स डिड यू सॉल्व इट। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने और कैसे उन लोगों को रोका। किस तरीके से उन लोगों को रोका और किस तरीके से। इस सेंटेंस को बोलेंगे हाउ एल्स डिड ही स्टॉप देम। हाउ एल्स डिड ही स्टॉप देम। मान लीजिए आप अपने टीचर से पूछते हैं सर मैं इस क्वेश्चन को और कैसे बना सकता हूँ। वेल इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे हाउ एल्स कैन आई सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाउ एल्स कैन आई सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक और सेंटेंस देता हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए और राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि मेरा रोज़ आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।